12 बजे के टाइम पे सूचना मिला कि एक झुगड़िया से का फोन आया कि मेरा लड़का 24 तारीख को निकला था बांका से और खगड़िया जा रहा था और भागलपुर में वो कहीं मिसिंग थी। तो सूचना मिलते ही इन्फॉर्म किया गया DSP सिटी और DSP लॉ एंड ऑर्डर को। फिर DSP सिटी द्वारा उसका सूचना को GRP से कंफर्म किया गया और उसका लोकेशन निकाला गया। मोबाइल क्योंकि ऑन था तो लोकेशन निकाला गया तो पता चला कि स्टेशन भागलपुर स्टेशन पर। वहाँ से उस लड़के को रिकवर किया गया और लड़के से फिर पूछताछ किया गया कि क्या हुआ है, मैटर क्या है। उसने ये बताया कि वो खगड़िया से चला था और कजरैली के पास वो अमरपुर तक बस से आया। फिर बस से एक कार में बैठता है, उसके जानने वाले लोग थे, और उस कार में कजरैली थाने के आसपास 4 बाइक से उस कार को लोग रोकते हैं। 4 लोग थे और उनके पास पिस्टल था और कार को रोकते हैं, कार के अंदर बैठते हैं और उस कार के साथ चले आते हैं। 2 लोग को किडनैप करते हैं और उस लड़के को वहीं छोड़ देते हैं। फिर ये लड़का वहाँ स्टेशन तक पहुँचता है बस करके, और इस तरीके की उसने कहानी एक बनाई। तो इसके बाद हम, क्योंकि मामला संगीन था, तो हम लोग ने तुरंत DSP लॉ एंड ऑर्डर को सूचित किया और उनको इसकी इसमें इन्वेस्टिगेशन में लगाया। और फिर उन्होंने वहाँ पे लड़के के साथ गए जहाँ पर ये घटना हुई थी, CCTV फुटेज देखे गए और CCTV फुटेज में उसकी पुष्टि नहीं हो पाई उस इंसिडेंट की। तो हम लोग को शक हुआ कि ये लड़का सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। फिर हम लोग ने उस लड़के का ही CDR निकाला, फिर उससे ट्रैक किया कि इसका मूवमेंट क्या है। तो जो वो टाइमिंग बता रहा था कि इतने टाइम वहाँ पर घटना हुआ और इतने टाइम हम स्टेशन पहुँचे, तो वो मिसमैच कर रहा था। तो मिसमैच हुआ तो हम लोग को और शक हुआ। तो हम लोगों ने फिर ढंग से इंट्रोगेशन किया तो पता चला कि ये लड़का फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार था और जिसके तहत एक इसने अपने फादर का 7 लाख करीबन फाइनेंशियल फ्रॉड में खो दिया। तो उस भय से ये घर नहीं जाना चाह रहा था और ये भागल खगड़िया से कुछ हुआ यहाँ से निकला और भागलपुर स्टेशन पर ही रुका था। और मतलब क्योंकि डिप्रेस था इसलिए इस तरह से घर नहीं जाना चाह रहा था। और इसी तरह से इसके फादर ने कंप्लेन किया और जब पुलिस कोई बरामद हुआ तो इसने ये मनगढ़ंत लूट की कहानी हम लोग को बताई। तो मैटर संगीन हम लोग को लगा तो हम लोग बहुत अच्छे से इसमें लगे। और फिर बाद में जब मैटर ये डिस्क्लोज हुआ कि थोड़ा फॉल्स है, तो हम लोग ने उससे जो कंप्लेन बता रहा है फाइनेंशियल फ्रॉड की, उसको बोला कि अपना कंप्लेन दीजिए, हम लोग उसमें भी कार्रवाई करेंगे और जो भी मीडिया हेल्प होगी हम लोग करेंगे। और जो भी वो तथ्य उसने प्रस्तुत किए थे लूट के, वो सारे फॉल्स, ये मतलब हम लोग की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन है CCTV कुछ नहीं मिला। उसके बाद बस के टिकट्स थे वो बस से ट्रेवल कर रहा था, CDR में मैच नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो कल मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी कि एक लूट का कांड हो गया, वो एक तरफ सरासर गलत है। किस तरह का फ्रॉड हुआ? ऐसा कोई लगता है ही नहीं, मनगढ़ंत पूरी कहानी सर मनगढ़ंत है जी, पूरी कहानी बस ये सही है कि उसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और क्योंकि उसके बैंक स्टेटमेंट से वो टैली हुआ है। तो किस तरह का फ्रॉड सर? यही कि उसको काम देंगे या उसका पैसा डबल कर देंगे, इस तरीके से उसके साथ फ्रॉड हुआ था। खगड़िया का रहने वाला है, वहीं से उसके साथ 2-3 महीने से लगातार फ्रॉड हुआ था और वो पैसे दिए जा रहा था उनको। आप उसको लगा कि कैसे रिट्रीव करें, क्या करें, तो ये कांटेक्ट करने की कोशिश करता हुआ उनसे, पर वो लोग नंबर चेंज कर लेते हैं। तो यही डिप्रेस था और भागलपुर स्टेशन पर बैठा हुआ था, लगभग 24 घंटे बैठा हुआ था और अपने घर वालों को रिप्लाई नहीं कर रहा था। फ़ोन ऑन था, फ़ोन वो लोग कॉल कर रहे थे लगातार, मिस कॉल थे उसके फ़ोन में, उठा नहीं रहा था। इसी कारण उसके फादर ने इन्फॉर्म किया यहाँ पर भागलपुर पुलिस, और उन्होंने तुरंत उसको इन्फॉर्म होते ही 1 घंटे में बरामद कर दिया। फिर जो उसने कहानी बताई फिर उसकी पुष्टि की गई और फॉल्स नहीं थी। तो ओवरऑल मामला ये है पूरा। कांड हुआ था लालू चरंगारी में, रितेश कुमार और संतोष कुमार के साथ नगद और उसके साथ साथ एक चेक। इसके लिए स्पेशल टीम गठन किया गया और एक पुलिस अधीक्षक द्वारा और पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में। और इस टीम में राजेश कुमार झा, पवन कुमार, सूरज कुमार वज्रा प्रभारी, ओम प्रकाश TUP बाईपास SHO इस टीम में शामिल थे। और इसमें जो बरामदगी हुई है, देसी पिस्तल 1, जिंदा कारतूस 1, नगद 3,240 रुपये नगद बरामद किया गया है। और करण पासवान उसको गिरफ्तार किया गया, करण पासवान को रजौन में ये वांटेड है। इसके ऊपर बहुत सारे 392 के केसेस हैं, जितने कांड जो हमें मिले हैं आपराधिक इतिहास के, उन्होंने उसे हमने लाया है इसमें केस में। उसके साथ साथ लोधीपुर में 2022 में भी ये वांटेड रहा है केस में। 2022 में इसने लोधीपुर में कार्यरत किया था, लूट की घटनाएं कार्यरत की थी।
और अभी भी हम लोग इसका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। इसके साथ साथ इसका एक साथी भी है जिसके ऊपर 392 और 394 ये सबका आपराधिक इतिहास है उसके ऊपर, और उसको भी जल्द गिरफ्तार करें।